माई चैनल या फिर वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो बेसिकली आपके सपनों में आपके लिए क्या मैसेजेस दिया जा रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास तीन ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफिकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जिन्हें अभी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपने वोल्केनो वॉलेटिलिटी ओके एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द वॉलेटिलिटी एंड ग्रीन जेड, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें ओके आपके लाइफ में मैटेरियलाइज होने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो का एनर्जी है। सो एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत वक्त से ओके कुछ डोरमेंट था। ओके, यानी कि कुछ मैनिफेस्ट हो रहा था आपके लिए बिहाइंड द सीन्स, एंड आई एम सीइंग कि बहुत जल्द आप लोगों को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी है। यानी कि अगर आप बहुत वक्त से कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे एंड आप कर नहीं रहे थे, ओके, क्योंकि एनर्जी की कमी थी या फिर आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका मोटिवेशन वापस आएगा। ओके, एंड सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कि आप अपने पैशन को फॉलो कर पाए। ओके, सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी फायरी एनर्जी, एंड यहाँ पे अर्थ एनर्जी है विद द ग्रीन जेड। ओके, सो ये बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में आप लोग धीरे धीरे आ रहे हो। ओके, या डेफिनेटली आप बस एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत ही सॉर्टेड आउट जगह से एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर वन। सो बहुत लोगों के लिए आपके जो सपनों में व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स, शायद आपको ऐसा मैसेज भेजा जा रहा है जहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत कुछ चीज़ों को लेके जो एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ओके, वो अभी प्रेजेंटली शायद बहुत लोगों के लिए आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। आप लोग रेडी हो रहे हो, ओके, कुछ बहुत ही बड़ा सा एक्शन लेने के लिए अपनी लाइफ में परहैप्स। या बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। ओके, जब भी मैं ग्रीन जेड देखती हूँ, ये मुझे बहुत ही ओल्ड सोल का एनर्जी देता है। यानी कि यू हैव गन थ्रू मल्टीपल एक्सपीरियंसेस एंड आपका जो सोल है वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड है। मल्टीपल पास्ट टाइम, यू नो, पास्ट लाइफ, मल्टीपल पास्ट लाइफ जी चुका है आपका सोल। ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, एंड कुछ हद तक आप लोग शायद बहुत टायर्ड भी हो, वो भी एक मैसेज आ रहा है। बट आई एम सीइंग देयर इज लाइक अ बूस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी जो कहीं से यू नो आपको फील हो सकता है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर वन, व्हाट आर ग्रुप नंबर वन ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम। व्हाट इज ग्रुप नंबर वन ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम। व्हाट इज योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम। व्हाट इज ग्रुप नंबर वन ड्रीम्स trying to tell them. What is group number one's dreams trying to tell them? What is group number one's dreams trying to tell them? Okay, two more cards. What is group number one's dreams trying to tell them? What is group number one's dreams trying to tell them? Okay, here we go. So यहाँ पे है six of wands. या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन के लिए या फिर किसी एक टाइप का ब्लेसिंग के लिए। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है माँ अर्थ, जस्टिस। ओके, सेकंड कार्ड है आपका सन। ओके, आपका थर्ड कार्ड है मर्लिन द हीरो, एंड द फोर्थ कार्ड इज हेरोफेंट, डिवाइन चाइल्ड। ओके, इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा परहैप्स
या आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लाइफ में करेंटली शायद एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है परहैप्स ओके विद द जस्टिस, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस आउट होते हुए दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली ओके. बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस आउट हो रहा है करेंटली, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जस्टिस इज़ वर्किंग इन योर फेवर, यानी कि कार्मिक डेथ, कार्मिक लेसन, अगर किसी भी टाइप का कार्मिक बैगेज आपको रिलीज़ करना था देन आप में से बहुत लोगों के लिए करेंटली वो आपके लाइफ में हो रहा है ओके. सो बहुत लोगों के लिए आपके सपनों में भी कुछ रिलेटेड मैसेजेस उसी को लेके आ रहा है ओके. जहाँ पे यू आर करेंटली गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ क्लींसिंग अपने लाइफ में ओके. आप किसी क्लींसिंग के थ्रू से चल रहे हो, एंड जो कार्मिक बैलेंस है इट्स बेसिकली अबाउट जो कुछ भी मेहनत आपने लगाया, जैसा भी एनर्जी आपने अभी तक यू नो यूनिवर्स के सामने निकाला है ओके. इन टर्म्स ऑफ लाइक ये ख़राब एनर्जी हो सकता है, अच्छा एनर्जी हो सकता है, वो सब चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको ऐसा लग रहा है कि आइदर चीज़ें बहुत ही स्लो वे में हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि यू नो या कुछ चीज़ों की कमी है, यानी कि जो आपका ड्रीम्स है, जो आपका एक्चुअल गोल है वो एक्चुअली पूरा नहीं हो रहा है एंड उसको शायद वक्त लग रहा है. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू फील सैड एंड डिसअपॉइंटेड अ लिटल बिट ओके. आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अप्रिशिएट भी करना है ओके. आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको लेके अप्रिसिएशन भी दिखाना है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपके फेवर में काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स ओके. सो परहैप्स आपका जो सपना है वो कुछ हद तक थोड़ा यू नो सैड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जैसा भी आप सपना देख रहे हो ओके. दैट मे बी समथिंग. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ ना कुछ तो इन कनेक्शन विद शायद आपको एक ऐसा सपना दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है, या फिर यू नो एवरी कॉज हैज़ एन इफेक्ट, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप जैसा एक्शन लेते हो उसका रिजल्ट आपको बराबर दिखाई पड़ रहा है ओके. ऐसा सपना आप लोग देख सकते हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, देट मे बी समथिंग ओके. एंड किसी चीज़ के लिए शायद आप इतना खुश नहीं हो रिजल्ट को लेके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत जल्द बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन है एंड बहुत ब्लेसिंग्स है ओके. इन सम वे और अदर बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा ओके, क्योंकि मुझे विद द हेरोफेंट ओके, क्योंकि यहाँ पे मर्लिन हीरो है एंड हेरोफेंट विद दिस एनर्जी इट स्पीक्स अबाउट कि पावर आपके हाथ में है. बहुत लोगों के लिए चाबी जो है वो आप अपने हाथ में ही होल्ड करके आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली लाइफ में, एंड शायद आप ये बात रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, बट आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आप लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि चाबी आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन ले जाना चाहते हो. बहुत लोगों के लिए आप कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली, एंड परहैप्स आपको अभी उसका आइडिया भी नहीं है ओके. फॉर ग्रुप नंबर वन, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके सपनों में कि फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आइडर सक्सेस है ओके. ये वर्क प्लेस में सक्सेस होगा किसी चीज़ के लिए. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं निगेटिव एनर्जीज से अपने लाइफ में, नया बिगिनिंग आप लोग अपने लाइफ में ला रहे हो, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने वाला है फॉर ग्रुप नंबर वन ओके. सो विद द हेरोफेंट ये बहुत लोगों के लिए आपके होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये हाई लेवल कमिटमेंट होगा ओके. अगर आप लोग सिंगल हो आपके लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर आ सकता है, वो एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए अगर करियर है आई एम सीइंग हाईली अथॉरिटेटिव पोजिशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा एंड आपकी विजडम एंड नॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट एंड रिकॉग्निशन मिलेगा ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए ये मैरिज का भी वाइब आ रहा है यहाँ पे. अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. सो करेंटली शायद आप उन सब चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, सन है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से जा रहा है शायद ओके. एंड यू माइट नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट ओके. आप इतना ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हो शायद उन चीज़ों को लेके जो आपके लाइफ से जा रहा है ओके. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लींसिंग हो रहा है ओके. जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना है वो चीज़ आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है, एंड जो आपका पास्ट कार्मा यू नो रहा है
उसका एक्चुअली अभी करेंटली वो बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में. सो बहुत स्किल्स बैलेंस हो रहा है. ओके सो कुछ ख़राब भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा भी देखने को मिलेगा. ओके कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ से भी जाएगा. ओके एंड ये इसलिए हो रहा है ताकि आप फाइनली ये अबंडेंट एनर्जी में पहुँच पाए. ओके इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी थिंग बैड, लेकिन आपको एक हायर लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाया जा रहा है आपके लाइफ में. ओके विद द मर्लिन हीरो, क्योंकि ये फूल है. सो इट स्पीक्स अबाउट पूरा पुराना बैगेज ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी फर्दर मोर व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. प्लीज व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम प्लीज. या सो यहाँ पे विजार्ड ऑफ अवेयरनेस. या यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है बैलेंसिंग एक्ट. इट्स द सेम थिंग. ओके ये भी आप देखेंगे यहाँ पे स्केल्स है. ओके ये भी जस्टिस के जैसा ही इसका इलास्ट्रेशन है. सो बैलेंसिंग एक्ट. नेक्स्ट है आपका माउंटेन. ओके सो या फॉर श्योर बहुत लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इतना यूनिवर्स आपके फेवर में जैसे काम कर रहा है. यू विल जस्ट सी इन द अपकमिंग फ्यूचर कि एक्चुअली आपको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक्चुअली यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है. एंड जो चीज़ शायद आगे जाने के बाद आपको ब्लॉक कर सकता है, वो चीज़ आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है. एंड ये शायद आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करा रहा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको बस रिवर के जैसे आगे बढ़ना है. यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है. ओके यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके लिए जो आगे का रास्ता है वो एक्चुअली क्लियर किया जा रहा है. ओके सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर वन. सो विद बैलेंसिंग एक्ट, यस जो कुछ भी ऑफ बैलेंस था, ओके वो एक्चुअली अभी बैलेंस में आ रहा है धीरे धीरे आपके लाइफ में. कुछ ना कुछ तो अनस्टेबल था फॉर श्योर आपके लाइफ में. कुछ कुछ केओटिक एंड बहुत ही पेटी एनर्जी भी था शायद पास्ट में. ओके मुझे कन्फ्लिक्ट भी दिखाया पड़ रहा है किसी से के लिए. ओके ये मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे थे. एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप तो इतना ज़्यादा अवेयर हो एक्चुअली. ओके विद द विजार्ड ऑफ अवेयरनेस आप देखेंगे कि मर्लिन जो है, मर्लिन भी ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक अ विजार्ड एंड यहाँ पे विजार्ड है. सो बहुत लोगों के लिए यू मे हैव दैट काइंड ऑफ लाइक गिफ्ट. ओके जहाँ पे आप बहुत ही पावरफुल एक मैनिफेस्टर हो शायद. ओके एंड बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो कि कुछ हद तक ये सब चीज़ें आपने ही खुद सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया होगा किसी एक टाइम में आपके लाइफ में. ओके पास्ट में हो सकता है. एंड डीप डाउन आपको ये मालूम है एक्चुअली. ओके कि क्यों चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हो रहा है आपके लाइफ में, आपको ये भी मालूम है इंट्यूटिवली. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द विजार्ड ऑफ अवेयरनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली आपके फेवर में हो रहा है. ओके यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. यहाँ पे बस फ्लो के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है. यहाँ पे कुछ भी आपको कंट्रोल नहीं करना है. ओके सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. एंड बहुत लोगों के लिए यस विद द वॉलेटिलिटी ये फाइट भी हो सकता है. ओके जो आपके रिसेंट पास्ट में हुआ होगा किसी सिचुएशन को लेके. ओके लोगों को लेके भी हो सकता है. ओके दैट मे बी समथिंग. व्हाट इज ग्रुप नंबर वन ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. ओके व्हाट इज ग्रुप नंबर वन ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. ओके सो बॉटम द डेक है विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड डेथ. या ये मैसेज बार बार आ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको विजन मिल रहा है. आपके सपनों में एक्चुअली आपको विजन दिया जा रहा है फ्यूचर को लेके. सो यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन आपके लाइफ में. ओके एंड यही दिखाया जा रहा है परहैप्स आपके ड्रीम में कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में. ओके सो विद द फोकस ऑन द लाइट. शायद बहुत लोगों के लिए आप लाइट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो शायद अपने लाइफ में. एंड इन योर ड्रीम्स ओके परहैप्स यू नो ये एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे इट्स टाइम कि आप लाइट पे फोकस करें. जो अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में उस पे फोकस करें, क्योंकि यू आर गेटिंग रेडी फॉर मैसिव ब्लेसिंग. ओके एंड यहाँ पे है कॉन्शियस कनेक्शंस. या कॉन्शियस कनेक्शंस. सो फॉर ग्रुप नंबर वन आई कीप ऑन गेटिंग कि ये कनेक्शंस के केस में हो सकता है. आपके रिसेंट पास्ट में कुछ कुछ क्लीन्स आउट हुआ है. कुछ कुछ कनेक्शंस आपके लाइफ से जा रहे हैं शायद. ओके एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका एंड आपका फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है. ओके डजेंट मीन कि उनका फ्रिक्वेंसी लो है आपका हाई है. इट डजेंट हैव टू बी दैट. बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोगों का जो यू नो
सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है किसी सी लोगों के साथ. ओके दैट मे बी समथिंग. ओके क्योंकि कोई कोई यू नो लोग होते हैं जो आपके लाइफ में कुछ ही वक्त के लिए होते हैं. ओके ताकि आप कुछ लेसन सीख पाए उनसे. सो दैट मे बी समथिंग. ओके बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जी भी रहा है एक्चुअली आपके पास में. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे समथिंग फेल अपार्ट. कुछ ना कुछ है जो टूट के बिखरा है या फिर आपके लाइफ से रिमूव किया गया है रिसेंटली. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू फोकस ऑन द लाइट. ओके लाइट पे पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए क्योंकि यहाँ पे आप लोग अभी रेडी हो रहे हो नए हायर लेवल सोलमेट या फिर कनेक्शंस को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा मैच होगा. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जितना सेंसिटिव हो, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, नर्चरिंग हो. आप शायद यू नो इमोशंस, लोगों के इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो. दैट मे बी समथिंग आप यू नो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हो अपने एक्शंस को लेके, वर्ड्स को लेके. एंड ठीक वैसा कनेक्शन आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को सही डायरेक्शन ले जाया जा रहा है. ओके सो लेट्स सी. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द हेरोफन, ये शायद आप लोगों के लिए ये आइदर कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग का भी वाइब आ रहा है. ओके फॉर सम ऑफ यू, जहाँ आप उस एनर्जी में जब आप टैप्ड इन होने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली यू नो स्पिरिचुअल सेल्फ में जब आप टैप्ड इन हो जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ में, जहाँ पे आप पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके अपनी मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आई एम सीइंग कि आप लोग अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग आपको समझेंगे, जो भी यू नो जो लोग आपके जितना ही स्पिरिचुअल होंगे परहैप्स. ओके वो भी मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम प्लीज. ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स. ओके हियर वी गो. सो यहाँ पे है फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, या थ्री ऑफ वंस. सो या फॉरवर्ड मूवमेंट. बहुत लोगों के लिए यू हैव दिस वेरी लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी. ओके आपके अंदर एक बहुत ही लीडर जैसा एक एनर्जी है. एंड विद द थ्री ऑफ वांस ये एक्सपांशन को डिपिक करता है, यानी कि बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप लोग खो रहे हो लेकिन वही चीज़ आपके लाइफ में एक्सपांशन ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है इन सम वे. ओके वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम प्लीज. व्हाट इज ग्रुप नंबर वन स्ट्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. ओके हियर वी गो. अप्रिसिएशन. या यू आर ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग. ओके यहाँ पे एनवी है. ओ माई गॉड इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आइदर आप लोग बहुत ही एनवियस एनर्जी से फेस कर चुके हो. ओके क्योंकि यहाँ कॉन्शियस कनेक्शन है. ओके शायद यू नो आपने पास्ट में ऐसे एनर्जी से डील किया जहाँ पे लोग आपको लेके एनवियस थे, या फिर थोड़े से यू नो थोड़ा जेलसी कहीं से आ गया था, एनवी कहीं से आ गया था. एंड शायद यू नो बहुत लोगों के लिए वही चीज़ आपको पीछे छोड़ना पड़ा. ओके अंडरस्टैंड कि ये आपके भलाई के लिए हुआ, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड ये जो विद द विजार्ड ऑफ अवेयरनेस, आपके सपनों में आपको ये अवेयर कराने की कोशिश की जा रही है. ओके कि जो एक्चुअली हो रहा है आपके लाइफ में वो आपके भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि आगे जाके भी ये परहेप्स यही एनर्जी आपके फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा नीचे खींचता. ओके सो बहुत लोगों के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यप. सो अगर कुछ यू नो कन्फ्लिक्ट भी हुआ होगा, निगेटिविटी भी हुआ होगा, वो यू ही नहीं हुए. ओके ये डेफिनेटली किसी का एक यू नो ये निगेटिव फ्रिक्वेंसी हो सकता है जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा था. ओके एंड यू हैड टू फेस दैट. ओके एंड आपने शायद उस एनर्जी को फेस किया एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि आपने देख लिया ट्रुथ. ओके एंड यही आपको अवेयर भी किया जा रहा है, यू नो करवाया जा रहा है आपके सपनों में. ओके वेरी सैड अबाउट समथिंग लिविंग योर लाइफ. ओके ये आपके भलाई के लिए हो रहा है. ओके सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर वन. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग लीब्रा हो सकते हो, लियो हो सकते हो. ओके जेमिनाई है, वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है. ओके सजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू. या वट एल्स. डेफिनेटली थिंग्स आर ग्रोइंग इन योर लाइफ एंड आप एक्चुअली और ज़्यादा एबंडेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी हायर है. ओके नॉट लो. फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट लो, इट्स गोइंग टू बी मच मोर हायर. ओके सो यस वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे.
सो वही था. ओके, उतना ही साइंस मुझे दिखाया पड़ रहा है. सो डजेंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर वन, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपने ये ड्रैगन फ्लाई इमरजेंस एंड ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द ड्रैगन फ्लाई इमरजेंस एंड रोज क्वार्ट्स. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत वक्त से एक एनर्जी में थे अपने लाइफ में. ओके, ये मुझे एक ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे यू नो बहुत लोगों के लिए आप लोग परहैप्स इवॉल्व हो रहे थे अंदर वाटर. सो शायद आप लोग इतना आउट देयर नहीं थे, या फिर ज़्यादा आप लोग ओपन नहीं थे अपने एनर्जी को लेके, क्योंकि यहाँ पे डीप डाउन कुछ यू नो आपके फ्रिक्वेंसी में चेंज हो रहा था या फिर शिफ्ट हो रहा था. एंड अभी आप लोग फाइनली एक अलग स्टेज में, अपने लाइफ के अलग अलग फेज़ में पावर रखने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग लाइक जहाँ पे फाइनली आप लोग फाइनली फाइनली आप लोग वो जो पानी है उससे ऊपर आ रहे हो. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी मच मोर आप इवॉल्व्ड हो. ओके, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा आप इवॉल्व्ड हो स्पिरिचुअली. आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स को लेके, अपनी एनर्जी को लेके. एंड यस, आई एम सीइंग बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी भी है यहाँ पे. ओके, आप जैसे चीज़ों को देखते हो वो पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा आपका मैच्योर्ड है. सो आई एम सीइंग कि देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड. ओके, जिससे आपने डील किया है. बहुत लोगों के लिए ये आपका सैटर्न रिटर्न हो सकता है. ओके, जिससे आप रिसेंटली निकले हो. ओके, दैट मे बी समथिंग, या देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. बहुत लोगों के लिए दिस मे बी स्पीकिंग अबाउट एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट जिससे आपने डील किया है. एंड अभी फाइनली आप इमर्ज हो रहे हो उस जगह से. ओके, लाइक अ बटरफ्लाई, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ओपन है बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा, क्योंकि यू आर रेडी टू रिसीव. आप देने के लिए भी रेडी हो. ओके, अपना कंपैशनेट लविंग एनर्जी एंड आप रिसीव करने के लिए भी रेडी हो अभी. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बहुत ही हीलिंग हुआ होगा. ओके, विद इन यू, या एंड आई एम सीइंग कि देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक ट्रुथ, जो एक डिवाइन ट्रुथ है, हायर ट्रुथ है सिचुएशंस को लेके, अपने लाइफ को लेके, जो आपको मालूम पड़ चुका है. ओके, जिसके वजह से आप जैसे अभी आगे बढ़ रहे हो, इट्स लाइक वेरी इवॉल्व्ड. ओके, वेरी इवॉल्व्ड एंड वेरी अवेयर, ये वैसा एनर्जी है. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर टू ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम, व्हाट इज ग्रुप नंबर टू dreams trying to tell them, what is group number two dreams trying to tell them, please, what is group number two dreams trying to tell them, last card. Okay, so yahan pe hai devil, bottom of the deck. What is group number two's dreams trying to tell them? Okay, so yahan pe hai Merlin the hero, yeah. Second card hai aapka ace of cups. Okay, ace of cups, ace of mirrors. आपका थर्ड कार्ड है सॉर्सरस द हाई प्रीस्टस. एंड द लास्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए, यस, यू आर गेटिंग रेडी टू ओपन योर हार्ट फॉर श्योर. ग्रुप नंबर टू के लिए वो एक मैसेज आ रहा है इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर. सो विद द मर्लिन हीरो आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ, एक अलग ही टाइप का जर्नी आप लोग पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो. एंड वही आपके ड्रीम्स में परहैप्स आपको दिखाया जा रहा है कि शायद बहुत ही अलग एक जर्नी आप लोग चूज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो. सो यहाँ पे कुछ एक साइंस आपको दिया जा सकता है, या फिर यू नो बहुत ही मेटाफोरिकल ड्रीम हो सकता है जो आप देख रहे हो, लेकिन उसका जो बिहाइंड दैट ड्रीम, ओके, जो मीनिंग है, इट्स बेसिकली अराउंड चेंज एंड इवोल्यूशन. एंड आप अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए हो, एक नए फेज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए हो. ओके, इन योर लाइफ. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ये आप खुद इनिशिएट कर रहे हो, क्योंकि यू डीप डाउन नो कि यू आर रेडी. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग रेडी हो गए हो, आपको ये मालूम है. एंड न्यू लव मे बी हियर इन योर लाइफ. ये आइदर एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग होगा, फ्रेश न्यू बिगिनिंग,
सो ये नया होम लाइफ, ओके, नया जगह पे सेटल होने का एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ये नया जॉब हो सकता है, ये नया कनेक्शन हो सकता है, नया फ्रेंडशिप हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, ओके, मैं आपको बॉक्स में नहीं रखूँगी. बहुत लोगों के लिए ये न्यू लव है, ओके, जहाँ आप फाइनली एंटर करने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके, एक नया कनेक्शन, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. या एंड आई एम सीइंग कि व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू, ओके, जो मैसेज आपको दिया जा रहा है आपके सपनों में वो ये कि यू आर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अलग डायमेंशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो. फॉर ग्रुप नंबर टू, देयर आर समथिंग अबाउट लाइक मिरर एज वेल, ओके, क्योंकि मिरर जो है वो अक्सर यू नो एक पोर्टल को यू नो डेपिक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक इन स्पिरिचुअलिटी, ओके, क्योंकि मिरर में ऑफन स्पीक अबाउट पोर्टल टू अनदर डायमेंशन, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप में वो एक गिफ्ट या फिर एबिलिटी है जहाँ पे शायद आपका जो या एक गिफ्ट एबिलिटी हो सकता है आपके अंदर एस्ट्रल प्रोजेक्शन का, जहाँ पे आपका सोल जो है वो ट्रैवल करता है जब भी आप सो रहे हो. तो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत लोगों के लिए आपके अंदर वो गिफ्ट है. सो आपका जो सोल है वो अलग डायमेंशन में जा सकता है. बहुत लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपना मिरर कहाँ रख रहे हो घर में, ओके, जब भी आप सो रहे हो. ये अगर आपके बिस्तर के बहुत ही सामने है देन यहाँ बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ नीड कि आप शायद अपने मिरर का पोजीशन चेंज कर लें. दैट मे बी समथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप एक बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो एंड बहुत मैसेजेस आपको क्लूज आपके ड्रीम्स के थ्रू से एक्चुअली दिया भी जाता है, ओके. बहुत लोगों के लिए आप इतना इंट्यूटिव भी हो कि आपको पता भी चल जाता है कि आपके सपने आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द हाई प्रीस्टेस आउट हियर. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये जो भी मैसेजेस है, ओके, ये शायद आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे कुछ एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिखाया पर अपने सपनों को लेके. परहैप्स आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि यू नो आपके सपनों के मीनिंग, यू नो सपनों का मीनिंग क्या है. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके, लेकिन आप शायद देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप फिर से अपने आप को क्लोज ऑफ कर ले. सो वो जो एक पैटर्न है उसको अभी भी थोड़ा हीलिंग होना बाकी है. यहाँ पे विद द फोर ऑफ पेंटिकल वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं करना है क्योंकि शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, लव लाइफ के केस में या फिर फ्रेंडशिप के केस में या फिर कनेक्शंस के केस में ओवरऑल. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डू नॉट क्लोज योर सेल्फ ऑफ, ओके, क्योंकि यहाँ पे विद द डेविल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग अभी भी पास्ट कुछ हद तक पास्ट मेमोरीज को कुछ हद तक होल्ड ऑन करके आप शायद यू नो अपनी करेंट सिचुएशन को जज कर पाए या फिर अपने फ्यूचर सिचुएशन को जज कर पाए. सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके. सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर टूज ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. व्हाट इज़ ग्रुप नंबर टूज ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. या सो यहाँ पे है स्टॉर्म फील्ड. स्टॉर्म फील्ड, ओके. सो यहाँ पे है मूवमेंट. मूवमेंट, या एंड यहाँ पे है गोबलेंस. या दैट्स एग्जैक्टली द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए योर ड्रीम्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप अभी आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में रेडी हो गए हो. एंड यहाँ पे एक नया लव आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है फॉर सम ऑफ यू. ये नया कनेक्शन होगा, ब्रैंड न्यू इमोशनल बिगिनिंग, ओके. ये ब्लेसिंग आप बोल सकते हो जो डिवाइन आपको भेज रहा है, एक नया बिगिनिंग आपके लाइफ में, ओके. सो उसके लिए शायद आप बहुत लोगों के लिए आप लोग आइदर रिसेंटली मूव कर चुके हो या फिर रिसेटल होने वाले हो या फिर रिसेटल हो चुके हो या फिर यहाँ पे घर में कुछ चेंज हुआ है या कुछ चेंज दिखाया पर है बहुत लोगों के लिए. ये बस आपके लाइफ में जस्ट इन जनरल मेटाफोरिकली एक बहुत ही बड़ा सा एक स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है शायद. एंड आई एम सीइंग कि आप लोग अभी ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके सपनों में कि यू आर रेडी नाउ, ओके. आप रेडी हो इस चीज़ को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए. लेकिन अभी भी डीप डाउन कहीं पे एक कॉर्नर में, आपके दिल के किसी एक कॉर्नर में या फिर आपके माइंड के किसी एक कॉर्नर में वो जो गॉबलिन है वो अभी भी है. यानी कि पास्ट को लेके अभी भी जज करना अपने सिचुएशंस को, पास्ट को लेके अभी भी फ्यूचर को जज करना, वो एक मैसेज आ रहा है विद द गॉबलिन्स. सो यहाँ पे कुछ डर है जिसको परहैप्स आपको ओवरकम करना है एंड वही आपके सपनों से आपको दिखाया जा रहा होगा,
ओके सो परहैप्स फॉर सम ऑफ यू यू मे बी फीलिंग लाइक प्रोटेक्टिव ओके आपको अपने सपनों में ऐसा फील हो रहा होगा जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ओके अच्छा तो लग रहा है ओके बहुत कुछ चीज़ें लेकिन आप सबकॉन्शियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो सिचुएशंस को लेके वो चीज़ शायद आपको दिखाया पड़ रहा है अपने सपनों में लेकिन वो एक मैसेज आ रहा है कि वैसा पैटर्न जो है वो आपको रिपीट नहीं करना है ओके दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो डर है उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पास्ट का जो भी फाउंडेशन है वो ऑलरेडी टूट के बिखर चुका है सो अभी जो भी नया आप लोग बिल्ड करेंगे इट विल बी लाइक बेस्ड ऑन न्यू फाउंडेशन ओके नया फाउंडेशन होगा आपके लाइफ में जिसके ऊपर अभी आप नए से कुछ बिल्ड करने के लिए रेडी हो रहे हो सो व्हाट इज ग्रुप नंबर टू ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम प्लीज ग्रुप नंबर टू ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम ग्रुप नंबर टू ड्रीम्स What is group number two's dream is trying to tell them, please? Yeah. So, यहाँ पे है release the dark wound, let love leave. Yeah, बहुत heartbreak आपने देखा है बहुत sadness, disappointment आपने देखा है अपने past में okay? And वही बार बार शायद आपको close off feel कराता है okay? From time to time, जहाँ पे आप कुछ भी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपने अगर कुछ you know, उल्टा सीधा देख लिया आप अपने आप को बंद कर लेते हो वो शायद एक पैटर्न है ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्चुअली यू आर नाउ रेडी यू आर एब्सोल्युटली ऑन अ डिफरेंट जर्नी ओके एक नया ट्रैजेक्टरी है आपके लाइफ में करेंटली एंड यहाँ पे अपने पास्ट डर को आने नहीं देना है ओके सो यहाँ पे है सीक्रेट फुल या एंड लास्ट इज हेवन सेंट ओ माई गॉड हेवन सेंट सो ये अश्योरेंस है आपके लिए कि जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है बहुत लोगों के लिए इट्स हेवन सेंट यानी कि हेवन आपके तरफ ये एक नया ब्लेसिंग भेज रहा है ओके भगवान आपके तरफ ये नया ब्लेसिंग भेज रहा है सो इट्स टाइम कि आप कुछ हद तक ये जो फेथ है या फिर जो भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर वो वापस लाए अपने अंदर ओके सो विद द सीक्रेट फूल मर्लिन हीरो माई गॉड इट्स अ ब्रैंड न्यू जर्नी ब्रैंड न्यू पीपल ब्रैंड न्यू एनर्जी ओके ब्रैंड न्यू पर्सन ये वैसा मैसेज आ रहा है सो इट्स एब्सोल्युटली न्यू एनर्जी सो यहाँ आपको अपने पास्ट का डर नहीं लाना है ओके इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर टू ड्रीम ट्राइंग टू टेल देम प्लीज व्हाट इज ग्रुप नंबर टू ड्रीम ट्राइंग टू टेल देम ओके पेशेंस ओके सो यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल वन ऑफ द डेक ओके एंड यहाँ पे है पेशेंस सो बहुत लोगों के लिए ये जो है ये जो ग्रोथ हो रहा है शायद ओके ये जो नया जर्नी है उसमें भी शायद कुछ हद तक आपको पेशेंस लगेगा कि ये पूरी तरह से ब्लूम हो आपके लाइफ में या फिर पूरी तरह से ब्लॉसम हो आपके लाइफ में सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग है सब चीज़ का ओके सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स ओके ये चीज़ आपके लाइफ में अभी तक आया नहीं है लेकिन ये आने वाला है सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए ओके एंड आपके सपनों में ये बार बार मैसेज आ रहा है कि इट्स यू नो हाई टाइम कि आप अभी ये यू नो डिवाइन पे भरोसा लाना स्टार्ट करें क्योंकि देयर इज़ समथिंग अबाउट यू नो देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो आपको ऑफर किया जाएगा ओके सो विद द नाइन ऑफ पेंटिकल आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोग सिंगल हो अभी ओके बहुत लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ है आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करो अपने करियर के ऊपर फोकस करो दैट मे बी समथिंग सो यहाँ कुछ हद तक पेशेंस भी रखना है आपको ओके सो बहुत लोगों के लिए ये शायद ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है एंड ये जैसे अभी ब्लॉसम होगा जैसे ग्रो होगा उसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा बट इट विल हैपन ओके लेकिन उस चक्कर में उस डर को वापस आने मत दीजिए अपने अंदर सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर टू इज ड्रीम ट्राइंग टू टेल देम प्लीज ओके सो यहाँ पे है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल या यहाँ पे है द थिंकिंग मैन या सो यहाँ पे चीज़ों को स्पिरिचुअली देखने को कहा जा रहा है क्योंकि यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट हायर फ्रिक्वेंसी कनेक्शन ओके बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग वेरी ऑफ अ हायर फ्रिक्वेंसी ओके एंड आई एम सीइंग कि विद द सेकंड चक्रा आप लोग आइदर अभी एक ऐसे एनर्जी में हो या फिर बीच बीच में आप उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आपको डर लगा रहता है कि कहीं कोई आपका वो जो वल्नरेबल साइट है उसका बेनिफिट ना उठाए एडवांटेज ना उठाए एंड फिर से आप अपने आप को बंद कर लेते हो इंटीमेट कनेक्शंस बनाने से भी आप लोग डरते हो शायद लोगों के साथ क्लोज कनेक्शन बनाने से डरते हो शायद देयर मे बी समथिंग सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट हीलिंग उसके आसपास जो करना है ओके एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए और एक मैसेज आ रहा है
जिनको आप अट्रैक्ट करेंगे, परहैप्स ये इंसान भी बहुत ज़्यादा या इवॉल्व्ड है, या फिर आइदर बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है, इमोशनली इंटेलिजेंट है शायद ये इंसान. ओके, एंड आई एम सीइंग कि जैसे ही इंसान आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके, ये भी बहुत ही सोच समझ के ये यू नो चॉइसेस बनाते हैं अपने लाइफ में. सो आई एम सीइंग कि यहाँ जैसे ग्रो होगा चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ब्लो होगा. ओके सॉरी, ब्यूटीफुल वे में ग्रो होगा आपके लाइफ में. सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड आप खुद भी एक टीचर हो सकते हो एक्चुअली. सो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, देयर इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल साइड टू इट. ओके, उसके उस चीज़ को लेके बहुत ही एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है. एंड आपको ये समझ में भी आ रहा है कि कुछ चीज़ है जिसको क्लीन्स आउट होना है शायद आपके यू नो हार्ट चक्रा के केस में, सेक्रल चक्रा के केस में, जहाँ पे थोड़ा डर है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, दैट मे बी समथिंग. सो यहाँ पे कुछ क्लीन्सिंग होना है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, फॉर ग्रुप नंबर टू. ओके, एंड वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या डेफिनेटली, बट दिस इज़ मैन टू हैपन. ओके, क्योंकि ये एक नया जर्नी है ग्रुप नंबर टू के लिए, एंड यू आर सपोज टू वर्क इन अ टीम. ओके, आपको इस स्पेसिफिक इंसान के साथ, ये लवर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, यू नो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, इट कैन बी एनी बॉडी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इस इंसान के साथ आपको एक टीम में काम करना है. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. सो यहाँ पे यू नो ओपन अप होना है आपको, क्योंकि यहाँ कोलैबोरेशन होगा. बाय कोलैबोरेशन ज़रूरी नहीं कि बिजनेस हो, लेकिन यहाँ आप लोग एक साथ आके कुछ बिल्ड करेंगे अपने लाइफ में, एक साथ कुछ यू नो स्पिरिचुअल, कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल है यहाँ. ओके, सो यू आर मैन टू बिल्ड समथिंग टुगेदर. ये बहुत लोगों के लिए अलग होगा, फैमिली फैमिली होगा बहुत लोगों के लिए, ये किसी से के लिए ये आपका बिजनेस होगा, किसी से के लिए ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है जो बहुत लॉन्ग टर्म होगा, ये कुछ वैसा मैसेज आ रहा है. ओके, सो या दैट्स द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, सो वही आपके सपनों में परहैप्स ओके आपको दिखाया जा रहा है कि इट्स अ ब्रैंड न्यू जर्नी. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो, जेमिनाई, ओके, वर्गो, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, ओके, सेजिटेरियस है या सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, व्हाट एल्स, या देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक एंजाइटी जो बीच बीच में आता है शायद. ओके, यू विल हैव टू हील इट. वट एल्स, एक्वायरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, या दोज आर ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर टू, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर थ्री, अगर आपने ये डेजर्ट विजन क्वेस्ट एंड वाइट अगीत चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द डेजर्ट विजन क्वेस्ट एंड वाइट अगीत. ओके, सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर थ्री, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वो एक मैसेज आ रहा है. बहुत ही ये बहुत ही रफ एंड टफ टाइम हो सकता है आपके लाइफ का. ओके, जहाँ आप करेंटली हो, जिस स्टेज में हो आप करेंटली, दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए ये बहुत वक्त से चलता आ रहा है, यानी कि आप लोग एंसर्स ढूंढ रहे हो. सो आई एम सीइंग विद द विजन क्वेस्ट डेजर्ट, देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपको जो सपना दिखाया पड़ता है उसमें परहैप्स आपको ऐसा फील होता है कि यू आर वेरी क्लूलेस. ओके, पता नहीं क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या सपना है. ओके, बहुत ही विविड है, लेकिन यू हैव नो आइडिया कि क्या है. ओके, इसके पीछे का मैसेज. सो आई एम सीइंग विद अ वाइट अगेट एंड विजन क्वेस्ट. आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग अभी एक ऐसे जर्नी में हो वेयर यू आर अबाउट टू फाइंड योर मोस्ट हाइएस्ट वर्जन. ओके, आप लोग अपने हाइएस्ट वर्जन को डिस्कवर करने जा रहे हो एक्चुअली. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्लिनसिंग हो रहा होगा आपके लाइफ में, यानी कि बहुत एंगजाइटी से भी आपको डील करना पड़ा होगा, बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट भी हुआ होगा आपके लाइफ में. या वो एक मैसेज आ रहा है. सो इट हैज़ बीन अ जर्नी. ओके, ये एक जर्नी रहा है आपके लिए. सो लेट्स सी व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू. ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर थ्री ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम प्लीज. ओके, वट इज ग्रुप नंबर थ्री ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. वट इज ग्रुप नंबर थ्री ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. वट इज ग्रुप नंबर थ्री ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम.
सो वन ऑफ द डेक है बेला रोजा द डेविल. ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर थ्रीस्ट ट्रीज ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. सो यहाँ पे है सोजर्नर किंग ऑफ कप्स. ओके आपका सेकंड कार्ड है ग्रीन मैन एम्परर. ओके ग्रीन मैन एम्परर. आपका थर्ड कार्ड है एलपी द स्टार. ओके एंड द फोर्थ कार्ड इज मर्लिन द हीरो. ओके इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू. सो बहुत लोगों के लिए विद द विजन क्वेस्ट. ओके सो बहुत लोगों के लिए इट हैज़ बीन अ जर्नी. वो एक मैसेज आ रहा है. ओके इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी आपके लिए विद द किंग ऑफ कप्स. आई एम सीइंग कि ये चलता आ रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में विद द डेजर्ट. ओके आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपने देखा है एक्सपीरियंस किया है. आपके लाइफ से भी बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट हुआ है. यू हैव बीन सीइंग ऑल ऑफ दैट. ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद द किंग ऑफ कप्स परहैप्स आप लोग एक ऐसे स्टेज में हो करेंटली जहाँ पे यू मे बी वेरी इमोशनली मेच्योर्ड. ओके यहाँ पे एक लीडरशिप एनर्जी भी है ग्रुप नंबर थ्री का जहाँ पे यू मे बी रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ लाइक यू नो कुछ भी हो जाए आप उसको आराम से फेस कर पाएंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में देखा भी है ओवरकम भी किया है एट द सेम टाइम. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो आपका जो विजन है लाइफ में ओके यू यू मे बी वेरी मच लाइक फोकस्ड ऑन रीचिंग योर मोस्ट हाईएस्ट वर्जन. ओके ग्रुप नंबर थ्री के लिए. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड एक बहुत ही जिप्सी जैसा एक एनर्जी है ग्रुप नंबर थ्री का. यानी कि प्रिटी मच आपका जो सोल है वो एक बहुत ही वेंडरलस्ट ओके वेंडर काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत कुछ नया नया सीखना भी चाहते हो बहुत कुछ नया नया देखना भी चाहते हो. एंड जैसे आप बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते आ रहे हो उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा इमोशनली मेच्योर्ड होते जा रहे हो और ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हो. ओके इमोशनली बैलेंस्ड एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर थ्री के लिए. सो विद द ग्रीन मैन एम्परर व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू. बहुत लो के लिए यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी हाई पोजिशन. ओके बहुत ही हाई पोजिशन में आपको होना है. ये आपके काम के केस में होगा एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है जहाँ पे यू आर मेंट टू बी इन अ हाई अथॉरिटेटिव पोजिशन जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है. ओके जहाँ पे किसी के लिए तो इट्स ऑल्सो अ बिजनेस. ओके ये आपका अपना बिजनेस हो सकता है एंड परहैप्स आपके अंदर एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. ये वैसा भी मैसेज आ रहा है. सो यू आर मेंट टू बी अ लीडर. ओके आपको लीडर होना है इस लाइफ टाइम में बट एट द सेम टाइम बहुत ही ग्राउंडेड वेरी स्टेबल एंड वेरी ग्राउंडेड. सो बहुत लोगों के लिए आपके सपनों में वो मैसेज आ रहा होगा जहाँ पे आपको फ्यूचर आपका दिखाया जा रहा है. ओके जहाँ पे यू माइट हैव बीन स्टक इन द पास्ट या फिर आपको लगा कि आप एक ही साइकिल में गोल 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 घूम रहे हो लेकिन योर ड्रीम्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप उस स्टेज को अपनी लाइफ में ओवरकम कर रहे हो करेंटली एंड आप अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो. सो विद द एलपी स्टार आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक ड्रीम या फिर आपका एक विश है शायद विद अ स्टार एंड ये आपके नोट नोट को भी डेपिक कर रहा है. यानी कि बहुत लोगों के लिए आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो इट्स स्पीकिंग अबाउट कि आपका अगर कोई ड्रीम है विश है कोई कोई है जो लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिजनेस में है प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी से के लिए जहाँ आपको देखा जा सकता है दैट मे बी समथिंग यू आर मेंट टू बी इन दिस काइंड ऑफ यू नो प्लेस. ओके जहाँ पे आपको अलग ही टाइप से शाइन होना है क्योंकि आपका बहुत ही अलग एक लाइट है एंड यू आर मैन टू शाइन रियली ब्राइट. एंड ये बहुत ही ग्राउंडेड है हम्बल है एक्चुअली ये जगह ये एनर्जी ये जगह पे आप ज़्यादा यू नो ये सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने नहीं दे रहे हो. ओके बट आई एम सीइंग एट द सेम टाइम आप अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो आपका पाव ज़मीन पे ही है. ओके ये वैसा मैसेज आ रहा है. सो यू आर वेरी ग्राउंडेड वेरी हम्बल अबाउट योर सक्सेस एज वेल. सो बहुत लोगों के लिए योर ड्रीम्स आर ट्राइंग टू मेक यू सी अबाउट योर फ्यूचर. यानी कि आपको एक यू नो फ्यूचर का विजन जो है वो दिखाया जा रहा है आपके सपनों में परहैप्स. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्टार एंड आई एम सीइंग कि ये भी एक मैसेज आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में ओके क्योंकि पता नहीं ये बहुत ही आप देखेंगे ये बहुत ही मेजर आर्काना है.
सो ये आपकी होल लाइफ का एक मैसेज, यू नो, आपको ड्रीम्स में दिखाया जा रहा है, आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर का मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, आई एम सीइंग कि इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ आपको बहुत अलग अलग जर्नी या सफ़र करना है. ओके, सफ़र करना है नहीं, मतलब इन अ वे लाइक आपको अलग अलग जर्नी में जाना है. ओके, इस लाइफ टाइम में मल्टीपल जर्नीज में. ओके, अलग अलग लेसन, अलग अलग विजडम आप अटेन करेंगे, ये वैसा मैसेज आ रहा है. सो यू आर प्रिटी मच अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा वेंडरलस्ट है. ओके, एंड आपका जो सोल है वो इस लाइफ टाइम में बहुत सीखने आया है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, वेयर यू आर मेंट टू लाइक रीडिस्कवर योर सेल्फ अगेन एंड अगेन. ओके, आप लोग इस लाइफ टाइम में एक्चुअली अपने आप को बार बार रीडिस्कवर करने के लिए आए हो. एंड ईच टाइम जैसे आप रीडिस्कवर करते हो अपने आप को, उतना ज़्यादा आप एनलाइटन्ड होते हो, इवॉल्व्ड होते हो. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो वाई यू आर मेंट टू बी वेरी परहैप्स वेरी एनलाइटन्ड. ओके, बहुत ही ज्ञान नॉलेज मुझे यहाँ बहुत नॉलेजेबल लोग दिखाई पड़ रहे एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर, टेल देम व्हाट इज ग्रुप नंबर 3'स ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. सो यहाँ पे है क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग हाउस, या एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ, या एंड द नेक्स्ट कार्ड इज मेटामॉर्फोसिस. ओ माय गॉड, यस, बहुत ही चेंजेस, शिफ्ट. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर मेंट टू ब्लॉसम अ लॉट. एंड आप बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना पड़ा होगा. ओके, अपने अंदर बहुत अनकंफर्टेबल भी आप फील, आपने फील किया होगा. ओके, पास्ट में बहुत एक्सपीरियंसेस आपने देखा, एंड आप बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म भी हुए हो. एंड फ्यूचर में भी, ओके, यू आर मैन टू कीप ऑन लाइक रीडिस्कवरिंग योर सेल्फ. ज़रूरी नहीं है कि ये पेनफुल हो, बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग लाइक बहुत ही मासिव पेन मुझे यहाँ दिखाई नहीं, लेकिन आपका पास्ट जो है वो बहुत ही पेनफुल रहा है. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो उसी चीज़ ने शायद आपके अंदर ये जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये जो इंट्यूटिव साइट है आपके अंदर, उसको एक्टिवेट किया है. ओके, सो आई एम सीइंग यू हैव चेंज्ड अ लॉट. एंड आपके सपनों में वही मैसेज आ रहा है कि आपका फ्यूचर भी बहुत ही अलग होगा. बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप रीसेटल होने वाले हो अपने फ्यूचर में, शायद आप कहीं और शिफ्ट होंगे. एंड ये चॉइस आप लोग खुद बनाएंगे, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड ये कुछ हद तक आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन इट विल ब्रिंग अ वेरी ब्रैंड न्यू बिगिनिंग. ओके, वो आपके लाइफ में बहुत ही एक नया सा एक बिगिनिंग लाएगा. ओके, नया एक जर्नी स्टार्ट कर देगा, जहाँ पे यू आर मच मोर वाइजर, मच मोर एनलाइटन्ड. वाओ, डेफिनेटली. एंड आई एम सीइंग कि विद द क्लीनिंग हाउस आप लोग बहुत सफाई भी करो ईच टाइम. आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 3 मे बी अ वेरी ओल्ड सोल. सो आप बहुत ही कार्मिक बैगेजेस लेके आए हो. ओके, क्योंकि परहैप्स आपको इस लाइफ टाइम में बहुत इवॉल्व होना है स्पिरिचुअली. सो आई एम सीइंग कि आपने बहुत एक्सपीरियंसेस देखा होगा. ओके, एंड बहुत क्लीनसिंग भी आपके लाइफ में हुआ होगा आपके पास्ट में. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 इज ड्रीम ट्राइंग टू टेल देम. व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 इज ड्रीम ट्राइंग टू टेल देम. ओके, सो यहाँ पे है फोकस ऑन द लाइट. या लेट्स सी इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड. वाओ, या विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड डेथ. ओके, वेरी इंट्यूटिव पीपल. सो डेफिनेटली आपको मैसेजेस मिल रहा होगा आपके सपनों में, फॉर श्योर. ओके, आपके फ्यूचर को लेके कि आप कहाँ होने वालों, किधर जाने वालों, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड विद द स्टार्स आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग हीलर्स भी हो सकते हो इन सम वे, या फिर आपका जो बिजनेस है, या फिर जो आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ बहुत ही यू नो आपका हीलिंग एनर्जी निकल के आता है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत लोग मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, साइकोलॉजी, यू नो साइकियाट्रिस्ट. ओके, वैसा भी मैसेज आ रहा है. काउंसलर्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स. ओके, सो इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3 इज़ अ स्टार सीट. आप में से बहुत लोग, आप लोग स्टार सीट हो, आप इस दुनिया में तो हो लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हो. ओके, सो यू योर सोल इज़ फ्रॉम अनादर डायमेंशन. ओके, आपका जो सोल है वो बहुत ही अलग डायमेंशन से आया है इस अर्थ में. ओके, एंड इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेंज भी लग सकता है, वियर्ड भी लग सकता है. जो बहुत लोगों को नॉर्मल लगेगा वो आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है. ओके, सो यू मे बी नॉट, यू माइट नॉट हैव बीन यूज्ड टू इट. ओके, पास्ट में बहुत लोगों के लिए शायद आप
इतना ज़्यादा यू नो आई एम सीइंग अनकन्वेंशनल पीपल. ओके सो जो एक जो सोसाइटल नॉर्म्स है आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आपको वो समझ में नहीं आता है. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग है, वेरी यूनिक, क्योंकि वो अलग डायमेंशन से आया है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि पास्ट में वो एक डिफ़िकल्टी रहा होगा आपके लिए, जहाँ पे अपने आप को डिस्कवर रीडिस्कवर करने के लिए. ओके सो फाइनली आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे स्टेज में पहुँच गए हो अपने लाइफ में जहाँ पे यू आर वेरी वेरी इमोशनली मेच्योर्ड. आपको पता चल गया है कि कैसे वो जो एनर्जी है, वो जो यूनिकनेस है आपके अंदर, उसको हैंडल करना है, उसको कैरी कैसे करना है. यू हैव अंडरस्टूड दैट. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड वही आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि यू नो कि किस सिचुएशन में आपको वो जो एनर्जी है आपके अंदर उसको बाहर निकलने देना है, किस सिचुएशन में आपको कैसे यू नो रहना है, कैसे आगे बढ़ना. यू आर वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. सो यहाँ बहुत लीडर काइंड ऑफ एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 का. सो आई एम सीइंग कि व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू. ये विजन्स है जो आपको दिया जा रहा है आपके फ्यूचर को लेके फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप कुछ भी सपना देखेंगे, बहुत एक विविड सपना आपने देखा होगा, या फिर बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे, देयर सम काइंड ऑफ ड्रीम जो बहुत ही विविड होगा, बहुत क्लियर होगा, एंड इट विल स्पीक अबाउट योर फ्यूचर. ओके वो आपको एक्चुअली आपका जो फ्यूचर है वो आपको दिखाया जाएगा आपके सपनों के थ्रू से. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट. आप लोग शायद पास्ट ऑन लव्ड वंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, यू नो समथिंग अबाउट लाइक बियॉन्ड दैट. ओके देयर इज़ नो लिमिटेशन. आपका जो पोटेंशियल एंड एबिलिटी है इट गोज़ वे बियॉन्ड दैट. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद कनेक्ट कर सकते हो हायर रियल्म के साथ. सो वो एक मैसेज आ रहा है, इट्स वेरी डीप. एंड आई एम सीइंग कि विद द फोकस ऑन द लाइट, आप लोगों ने ये भी सीख लिया है कि कैसे लाइट पे फोकस करना है अपने लाइफ में. ओके क्योंकि आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि एज़ यू फोकस ऑन द लाइट वो एक्चुअली ग्रो होता है. ओके कुछ भी आप नर्चर करना चाहते हो, कुछ भी पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो, आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो, आप वो उस यू नो जो भी आपके लिए प्रेशियस है आप उसको नर्चर करते हो, उसको ग्रो करते हो, ये वैसा एनर्जी है. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. प्लीज व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. ओके हियर वी गो. सो यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक. ओके व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू. सो यहाँ पे है मैसेंजर ऑफ फायर जो कि है नाइट ऑफ वंस. सो ये बहुत ही रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है. एंड दिस स्पीक्स अबाउट लाइक यू नो जहाँ पे बहुत विजडम है, नॉलेज है आपके अंदर, बहुत एक्सपीरियंसेस आपने देखा है फॉर श्योर, एंड वही चीज़ आपके अंदर वो एक लाइट एंड फायर एंड पैशन को इग्नाइट कर रहा है. बहुत लोगों के लिए आर डेफिनेटली यूनिक. ओके विद अ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर एक ऐसा पावर है जहाँ पे यू नो आप अनकन्वेंशनल काम कर सकते हो, चीज़ कर सकते हो. ओके एंड डेफिनेटली लोगों के जजमेंट से भी आप ज़्यादा डरते नहीं हो. ओके वही एक मैसेज आ रहा है, शायद पास्ट में आप डरते थे लेकिन करेंटली आप जिस एनर्जी में हो जहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव इवॉल्व्ड अ लॉट. आपने बहुत ही यू नो आप बहुत ही इवॉल्व्ड हुए हो ऑलरेडी, एंड बहुत हद तक आप होने भी वाले हो फ्यूचर में. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी एनलाइटन्ड. मुझे यहाँ बहुत एनलाइटनमेंट दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. प्लीज व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल देम. सो यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्बल जो कि है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एंड यहाँ पे है ओल्ड टाइड अप. या सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी करेंटली एज वेल. ओके और एक साइड नोट आ रहा है, अभी भी थोड़ा अपने आप को आप बांध के बैठे हुए हो, या फिर यू नो कुछ एक्शन लेने का मन है लेकिन आप ले नहीं रहे हो एक्शन, या फिर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, या फिर कुछ है यहाँ पे. ओके जहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम शायद आप उस एनर्जी से डील करते हो जहाँ पे यू फील रेस्ट्रिक्टेड, अ लिटिल बिट क्लोज्ड ऑफ. ओके या बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि शाइन टू योर फुलेस्ट. ओके ये जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, कॉन्फिडेंस के साथ जीने को कहा जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड वही मैसेज आपको दिया जा रहा होगा आपके सपनों के थ्रू से. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट योर ट्रूथ चक्रा एज वेल. ओके जहाँ पे परहैप्स या आपको अपना ट्रूथ चक्रा है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, बींग वेरी वेरी वोकल अबाउट व्हाट यू बिलीव इन. ओके या फिर जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट तो हो ही. ओके लेकिन
आई एम ऑल्सो सींग एट द सेम टाइम देर समथिंग अबाउट जहाँ पे यू आर मेंट टू शाइन रियली ब्राइट. आपका जो लाइट है उसको शाइन करना है क्योंकि वही आपका स्ट्रेंथ है. बिकॉज यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन एंड आपका आइडियाज़ भी बहुत यूनिक है. जो यू नो जो जो आप करना भी चाहते हो वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है. एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू लीव टू योर फुलेस्ट इस लाइफ टाइम में. ओके, आपको पूरी तरह से जीना है. या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. या डेफिनेटली. या टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. ओके, आगे बढ़ना है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जब आप ऐसे एनर्जी में आएंगे आप ऐसे एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फिर लोगों को जो लोग आपके जैसा ही होंगे या फिर आपके जैसा ही स्टार सीड या फिर आपके फ्रिक्वेंसी के होंगे. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. वाओ, फॉर मोस्ट ऑफ यू यू मे बी अ चैनलर. यू हैव दैट गिफ्ट. आप एक चैनलर हो सकते हो. ओके, एंड आपको बहुत डाउनलोड्स मिलता होगा. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग पाइसिस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, ओके, जेमिनाई या वर्गो है, एक्वारियस है, लियो है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है. व्हाट एल्स एम आई सीइंग? स्कॉर्पियो. ओके, या वही दिखाई पड़ रहा है मुझे. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच. अगर ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन नेक्स्ट वीडियो.